हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आज के इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी का वीकली एनालिसिस डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन गैन एंड एस्ट्रो स्टडीज़ फॉर द कमिंग वीक कमिंग वीक थोड़ा एक्साइटिंग होने वाला है बिकॉज uh, हमें प्लूटो रेट्रोग्रेड हुआ है उसका इम्पैक्ट दिखेगा थर्ड को हमने देखा बहुत ही अच्छी फॉल आई मार्केट के अंदर पर क्या ये फॉल कंटिन्यू होगी या फिर मार्केट में थोड़ा रिवर्सल आ सकता है तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले निफ्टी के ऊपर चलते हैं तो निफ्टी ने एक तरह से ये देखिए डबल टॉप बनाया है इसने ये वाला हाई था इसका ट्वेंटी टू सेवन सेवेंटी सिक्स और कल गैप अप में इसने सॉरी फ्राइडे को गैप अप में इसने हाई बनाया था ट्वेंटी टू सेवन नाइन्टी फोर और फिर एक अच्छा सेल ऑफ़ आया मार्केट के अंदर अब क्या ये सेल ऑफ़ जो इसराइल का लो है इज़राइन लाइन वॉल का जो ट्वेंटी वन ट्रिपल सेवन वहाँ तक आ सकता है उसके लिए हमारे पास एक नंबर पे फोकस करना है विच इज़ ट्वेंटी टू टू सेवेंटी सिक्स विच इज़ द फिफ्टी परसेंट ऑफ दिस होल अप मूव अगर बाजार इस लेवल को हेल्ड कर देता है तो वापस इट विल ट्राई टू गो अप टू दिस लेवल अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर आई थिंक वी शल सी ट्वेंटी टू वन फिफ्टी वन और उसके नीचे अगर मार्केट ने uh, एक दिन क्लोजिंग बेसिस डेली क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज दे दी तो ट्वेंटी वन ट्रिपल सेवन विद इन मैक्सिमम टू ट्रेडिंग सेशंस में आ जाना चाहिए अगर हम मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें तो वापस बाईस ट्वेंटी डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट हो रही है पर एक चीज़ हमें देखनी है कि मार्केट जब भी हाई लेवल्स पर आ रही है तो थोड़ी सेलिंग प्रेशर आ रहा है इसका ये मतलब होता है कि थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न चल रहा है पर आ, क्या ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो सप्लाई है यहाँ पर एब्जॉर्व हो जाएगी या फिर ये मार्केट हंड्रेड डे मूविंग एवरेज ट्वेंटी वन नाइन तक आके हमें बताएगा तो उसके ऊपर हमें फोकस करना है तो अभी जो मैंने आपको लेवल बताया था ट्वेंटी टू टू 76 वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा फॉर द कमिंग वीक नेक्स्ट ईज अगर मैं नॉर्मल uh, हारमोनिक्स की तरफ देखूँ तो प्राइज़ ने यहाँ पे देखिए निफ्टी ने ऑलमोस्ट ये पी आर जेड जो अचीव कर लिया है इसका तो वापस सपोर्ट आता है टू एट्टी का और फिर ट्वेंटी टू वन ट्वेंटी वन का वीकली uh, पे निफ्टी ने एक परफेक्ट डोजी बनाई है तो ये देखिए वन टू थ्री थर्ड डोजी है तो इस डोजी का जब अगर ये हाई ब्रेक हुआ ट्वेंटी टू एट हंड्रेड पे और इस डोजी का लो है अराउंड ट्वेंटी टू इस कैंडल का लो है अराउंड ट्वेंटी टू थ्री फोर्टी एट सो इट्स ऑलमोस्ट फाइव हंड्रेड पॉइंट्स नेट तो अगर ट्वेंटी टू एट हंड्रेड के ऊपर क्लोज हो जाता है तो ट्वेंटी थ्री वन हंड्रेड तक हम आसानी से देख सकते हैं और अगर ये ट्वेंटी टू फोर हंड्रेड के नीचे क्लोज हो जाता है तो ट्वेंटी टू थाउजेंड तक हम आसानी से देख सकते हैं सो दिस विल भी द मू ऑफ द मार्केट बिकॉज एक वीकली डोजी बन गई है लास्ट टाइम वीकली डोजी इसने बनाई थी लगभग इधर उसके बाद देखिए थ्री वीक्स में एक अच्छा राइज आया था मार्केट में मंथली चार्ट पे कुछ खास नहीं है वापस फोर वीक्स का थर्ड वीक का राइज है एक छोटी सी रेड कैंडल बन रही है इसी तरह से बैंक निफ्टी पे चले तो बैंक निफ्टी ने एक इम्पॉर्टेंट हारमोनिक पैटर्न भी बनाया है इधर uh, बहुत ही स्ट्रॉग लग रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी बिकॉज निफ्टी आईटी के कारण डाउन है पर बैंक निफ्टी ने एक अच्छा हार्मोनिक पैटर्न बनाया है जिसका पी आर जेड जो है अराउंड फिफ्टी थाउजेंड फोर्टी सिक्स अगर ये लेवल क्रॉस नहीं कर पाता तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फोर्टी सेवन थाउजेंड एट फिफ्टी एट टू कंप्लीट दिस पैटर्न आ सकती है तो ये हमें ध्यान में रखने का है और उसके अलावा अगर मैं ऑक्टिव पॉइंट देखूँ तो वापस इसका रहा है फोर्टी एट टू सेवेंटी सिक्स अगर ये लेवल टूटता है तो फिर ये पूरा मूड रिट्रेस होगा वरना फिर मार्केट वापस बाउंस बैक मार सकता है कल कोटक बैंक के रिजल्ट्स पे मार्केट आपको यू नो रिएक्शन देगा रिज़ल्ट वर नॉट दैट ग्रेट तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि मार्केट क्या रिएक्शन देता है उसके अलावा uh, अब हम जो एस्ट्रो फेनोमिन है तो सबसे इम्पोर्टेंट है एक मून एट पेरीजी एंड मून एट मून डेक्लिनेशन। दोनों इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं तो ये दोनों इवेंट्स होने कल विच इज़ फिफ्थ राइट तो कल का फिफ्टीन मिनट्स का हाइलो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और उसके बाद एट्थ वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्ट्री से है एट एंड नाइन्थ को बेट्स के रूल है तो कुल मिला के नेक्स्ट इस वीक में भी नेक्स्ट लास्ट वीक की तरह हम थोड़ा वॉलेटल मूव देखेंगे ट्रेंडिंग मूव मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन रहा है ये तो मून डेक्लिनेशन मैंने बताया है आपको कि जब भी देखिए मून डेक्लिनेशन के आसपास अगर शॉर्ट टर्म टॉप या बॉटम ही बनता है पर एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है जो एस्पेक्ट बन रहा है हमारा जुपीटर और नॉर्थ नोट के अंदर फोर्टी डिग्री एस्पेक्ट नो ये एस्पेक्ट बहुत ही रेयरली बनता है ये यहाँ पे आ रहा है विच इस टमोरो और उसके अलावा ये यह देखिए यहाँ पे आया यह था यहाँ पे आया यह था जहाँ पे भी आता है मार्केट में एक छोटे अच्छे टर्निंग पॉइंट्स होते हैं तो ये एस्पेक्ट भी कल आ रहा है तो इसलिए कल का डेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इसके अलावा जो लेवल्स हैं उसके ऊपर मैं डिस्कस कर लेता तो हूँ हाँ एक और चीज़ हो रहा है जो है मार्स का डेक्लिनेशन नो मार्स इज़ ए प्लैनेट ऑफ पावर तो ये मूव में एनर्जी भरेगा राइट सो so, कल के जो भी हाई एंड लो बनेंगे फर्स्ट 15 मिनट्स के इंटरव्यू में आप ले सकते हैं डेली के हाई एंड लो जो भी बनेंगे वो एट तारीख तक के लिए वैलिड है मतलब सिक्स सेवन एट थ्री डेज के लिए वैलिड है और एट को हमारे पास एक नई साइकिल चालू हो रही है विच इज़ द कॉन्फिडेंस ऑफ बोथ कैन एंड एस्ट्रो एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है वो है हमारा लूनर साइकिल जो हमारा आ, यहाँ पे हम जाएंगे टूल्स कैन एम पे में 2023 को लूनर एक्लिप्स हुआ था मेरे पास की वीडियो में तो उसका 360 डिग्री मूव देखेंगे तो इट विल कम टू अराउंड सिक्सथ में 2024 तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लूनर साइकिल का जो डिग्रीज़ का होता है जो मैंने लास्ट बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस किया तो वहाँ पर जनरली हमें अच्छे मूवस मिलते हैं निफ्टी के अगर चार्ट पे देखिए थ्री क्रॉस फोर लाइन पर अभी भी क्रॉस क्लोज नहीं हो पा रहा है वापस सेलिंग आती है तो मैंने ये बोल के रखा है जब तक इस लाइन के ऊपर क्लोज नहीं हो जाता है तो मार्केट देर इज हाई पॉसिबिलिटी इट कैन कम ऑल द वे टर्ड्स ट्वेंटी सिक्स फिफ्टी के आसपास 2700 के आसपास टू कम टू दिस सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी में आउटसाइड बार पैटर्न बनाएँ ऑन अ टाइम साइकिल डेट तो एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये एंड फिर निफ्टी वापस एक आउटसाइड बार बनाएँ तो ये तीनों का हमें मुंह देखने को मिलेगा और निफ बैंक निफ्टी में एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो आ रहा है वहाँ से भी बार बार रिएक्ट कर रहा है तो कल कल uh, जो फ्राइटिकल हुआ है फोर्टी एट सिक्स सेवेंटी नाइन अगर वो ब्रेक हो जाता है तो वी शुड सी ए वेरी क्विक मूव टुवर्ड्स फोर्टी एट वन हंड्रेड जो नेक्स्ट डिमांड जोन है अपना सो so, हाँ तो इस हिसाब से हमने देखा है फिफ्टी थाउजेंड जैसा मैंने बताया आपको आ, हमारा पी आर जेड जोन भी बन गया और अब मैं आपको क्विकली न्यूरल फोकस भी बता देता हूँ तो न्यूरल फोकस निफ्टी का ये बोल रहा है एक फॉल आ गई है नेक्स्ट टॉप अराउंड एट्थ को बनेगा फिर मार्केट गिरेगा और थर्टीनथ के बाद एक अच्छी फॉल होगी कल एक छोटी सी रैली हम मार्केट में देख सकते हैं न्यूरो फोकस इज़ नॉट राइट ऑल द टाइम सेवेंटी परसेंट ऑफ द टाइम ही वर्क करता है पर लास्ट बार वाला तो हमें अपू बताया था और बैंक निफ्टी में भी ये बोल है थोड़ा अपो होगा एटथ uh, को एक छोटा सा कंसोलिडेशन और फाइनल टॉप बोल रहे हैं टेंथ को बन के मार्केट में एक अच्छी फॉल दिखा रहा है तो देखते हैं कितना सही होता है और इसके लिए हमने अपने लेवल्स निकाल के रखे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी के वीकली लेवल्स ट्वेंटी टू फोर ट्वेंटी नाइन वीकली लेवल है बैंक निफ्टी का 48939 एट नाइन थर्टी नाइन और फिर निफ्टी का ट्वेंटी एट एट थर्टी नाइन निफ्टी और फिर निफ्टी में हम फिफ्टी फाइव पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखते हैं। और बैंक निफ्टी में हंड्रेड एंड एट का और जैसे जैसे लेवल्स आते हैं हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं तो यू uh, नो you know, कल का जैसे हमने देखा uh, uh, जिस हिसाब से प्लूटो रेट्रोग्रेड का हमें इम्पैक्ट दिखा मार्केट में अच्छी सेलिंग आई पर क्या ये सेलिंग कंटिन्यू होगी उसके लिए जो लेवल्स मैंने बताएं उसके आपको फोकस रखना पड़ेगा एंड अगर आप एक इंटरेडे ट्रेडर हैं तो सिक्स का आप हाई एंड लो नोट करके रखें फॉर टिल एट तो आपको दो दिन में एक अच्छी मूव कैप्चर करने को मिल जाएगी सॉरी इंटरेडे ट्रेडर के लिए सिक्सटीन मिनट फिफ्टीन मिनट्स का हाई एंड लो पोजिशन ट्रेडर्स के लिए जो कल का हाई एंड लो विच इज़ वैलिड टिल एट और एट को हमारी एक नई साइकिल चालू होगी उसके लिए आई ट्राई टू क्रिएट अनदर वीडियो ऑन दैट तो बहुत ही सिंपल एनालिसिस है लेट्स सी हाउ मार्केट बिहेव्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्टे डिसिप्लिन